आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड ब्रिंजल, एग प्लांट कह लें या फ्राई किए हुए बैंगन। तो ये झटपट सी रेसिपी है, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन ब्रिंजल, एक न्यू स्टाइल से। इसमें मैंने बैंगन डाल दिए हैं, इतने इतने मोटे मोटे कटे हुए हों, और जितने आपने लंबे रखने हो उतने आप रख सकते हैं। और जो मेरे पास लंबे वाले थे, आप गोल वाले भी ले सकते हैं। और इसमें मैं आप डाल रही हूँ मसाला। इसमें मैंने प्याज भी थोड़े से मोटे मोटे कटे हुए डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। नमक, मिर्च और हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल के इसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ मिक्स करके तो आप इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, में लहसुन अदरक का पेस्ट में डाल चुकी हूँ। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हाथों से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब मैं इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल आएगा ब्रिंजल का अपना, तो फिर उसके बाद हम इसका पकाएंगे। मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हाफ कप मैंने डाला है, तो इसको अब हम मिक्स करके रख देंगे 20-25 मिनट के लिए, फिर इसको पकाएंगे। आज तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसको रख लेती हूँ हल्की आग से फ्राई होने के लिए। इसको हमने दोनों साइडों को अच्छे तरीके से कुक करना है, लेकिन उसको हल्की आग से करना है। तो अब मैं दूसरी साइड से मसाला तैयार कर लेती हूँ। चॉप करके प्याज रख दिए हैं, और आप इसे ज़्यादा बारीक चॉप भी कर सकते हैं। यह हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं टमाटर अब चॉप करके डालूंगी, अब ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा, तो मैं 4 टमाटर इसमें डाल दूंगी, ताकि खट्टी 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 सी और नमकीन सी हमारी सालन बने और खूब मज़े की लगे। इसमें प्याज डाल, ये टमाटर डाल दिए, जो अच्छी तरीके से इसकी भुर्जी बनेगी, तो फिर उसके बाद हम इसमें ब्रिंजल डाल देंगे। सो गए हैं पकते हुए, तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और जीरा डाल देंगे, और 2 मिनट दम कर देंगे इसको। और जो मैं इसमें डालने लगी हूँ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, जब आप बैंगन डाले उस वक्त भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन कुक हो गया है, अब हम इसको बैंगन में डाल के 2-3 मिनट के लिए दम कर देंगे। में डाल देंगे बैंगन, देखने अच्छे हो गए, तो ये तकरीबन 2-3 मिनट में ये बन जाते हैं। हल्की की आँच में रख दें 2-3 मिनट में, और अब हम इसको दम कर देंगे तकरीबन 2-3-4 मिनट का दम कर दें, या 2-3 मिनट का। तो ये बिल्कुल तैयार है सालन हमारा। तो कुछ लोग खट्टा पसंद करें तो इसके ऊपर लेमन निचोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही तनावर करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।